वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, हम प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट क्लासेस में कुछ बेसिक्स चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लासेस में भी हम बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको कुछ टर्म्स से फेमिलियर नहीं हो जाते हो, तब तक हम एडवांस क्वेश्चन लेंगे तो एकदम से पजल हो जाओगे। तो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं 10th लेवल का अभी आपको आज की क्लास में एक आधा क्लास में और पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका एक बेसिक कार्ड्स हो गए, कॉइन्स हो गए, टॉस हो गए, कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं टॉस में, दो डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एक बार बैठ जाए। फिर जब हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, मल्टीप्लिकेशन लेकर आएंगे, बेस थ्योरम लेकर के आएंगे, तो फिर ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करें कि लाइक थ्री कॉइन्स को टॉस करा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये मुद्दा नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर तो हमें वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ये बेसिक चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए। इसलिए पहले आप एक से दो क्लासेस और लगा दो। चलो आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट, अ बैग कंटेन्स द थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, अ बॉल ड्रोन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज द बॉल इज रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसका फॉर्मूला आप क्या निकालेंगे? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फेवरेबल, अब रेड बॉल आप निकाल रहे हैं तो उस रेड बॉल की कितनी मात्रा है उसके अंदर, ये बताएंगे आप। तो रेड बॉल की उसके अंदर मात्रा कितनी है आपके? थ्री रेड। ठीक है, अब मैं एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं, जरा मेरी बात समझिए, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है। अगर मैं बोलता हूं कि 10 लॉटरी की टिकट्स हैं, 10 टिकट्स हैं, 3 3 6, और सब में लॉटरी है, इसमें से अब आप एक टिकट ओपन करो, लॉटरी निकलने की क्या पॉसिबिलिटीज है आपका? कोई सर 100% निकलेगा जब सब में 10 है, 10 के 10 में। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉटरी निकलनी, तो कितने में लॉटरी है? 10, उसकी संख्या टोटल कितना है? 10। तो आया नहीं आया आपका पूरी 1 पॉसिबिलिटीज है इनटू 100% पॉसिबिलिटीज है, तो प्रोबेबिलिटी टोटल आपके पास में मैक्सिमम 1 से ऊपर जा नहीं सकता है। तो समझ में आया ये फॉर्मूला का क्या मतलब है? मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो जो चीज़ आपके फेवर में चाहिए उसकी मात्रा कितनी है उसके अंदर, वो पकड़ो, और टोटल कितना है? 3 रेड एंड 5 ब्लैक, 8 है, तो 3/8। जिस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता हो गई है, उस सेम चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट रेड, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो होने की और ना होने की, सेम इवेंट का होना और उसी इवेंट का ना होने का ऑलवेज सम 1 होता है। तो 3/8 चांस तो है कि मैं कह रहा हूँ कि 20% चांस से पास जाऊंगा, तो कितने परसेंट चांस से फेल होने के? 80% चांस से फेल होने के, ये तो मतलब है इसका, टोटल पॉसिबिलिटी 100% होगी। तो 1 में से 3/8 तो है सिलेक्शन के, तो रेस्ट ऑफ पार्ट जो है इसके नहीं होने का है, तो 5/8। क्लियर है बच्चे, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट एंड नॉट अ ग्रीन। चलो आप इस क्वेश्चन को कर लो एक बार, 5-5 मिनट में क्वेश्चन की दूंगा, आप ट्राई करते रहना, फिर मैं करवाता रहूंगा, आज की क्लास में यही चलेगी। देखो बच्चे, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो रेड की, तो फॉर्मूला आपका यही है, फॉर्मूला लिखेंगे जरूर। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, आप देखो जो चीज जिसकी आप
फेवरेबल आउटकम चाहिए उसकी क्वांटिटी कितनी है आपके पास में। आप बॉक्स कंटेंट्स, एक बॉक्स में क्या है, एक बॉक्स है उसमें क्या है, फाइव रेड है, ठीक है, या फिर एक बॉक्स है ठीक है, क्या क्या है इसमें, फाइव रेड है, ठीक है, और एट वाइट मार्बल है, और चार ग्रीन मार्बल है। ये है कहानी पूरी। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी पूछा है रेड की, तो इसमें से मैं निकाल रहा हूं एक, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो चीज मैं निकाल रहा हूं, जिसके जो मुझे फेवरेबल आउटकम चाहिए, जिसके जिसका मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं, उसकी इसमें कितनी क्वांटिटी है, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो मैं रेड निकाल रहा हूं, तो रेड की क्वांटिटी कितनी है इसमें, फाइव, और टोटल आउटकम्स कितने में से, टोटल कितने हैं उसमें हैं, तो उसमें टोटल है आपके पास में फाइव और एट, 13 और 4, 17, तो 5/17। और नॉट वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, वाइट की प्रोबेबिलिटी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, तो वाइट की क्वांटिटी कितनी है, 8/17। एंड नॉट अ ग्रीन, तो नॉट अ ग्रीन का मतलब आप ये कह सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसका सम कर दो, ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है, और एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, उसका सम कर दो, तो तीनों की होने की प्रोबेबिलिटी, वन में से माइनस कर दोगे तो ग्रीन की ना होने की प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज छोड़ो उसको, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालो पहले आप, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो उसकी, नॉट की तो बाद में बात है। अब बाकी मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, पहले ही देख लो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वांटिटी चार है आउट ऑफ 17, तो नॉट की, नॉट ग्रीन, तो वन उसके होने की संभावना 4/17 है, तो ना होने की संभावना एक में से, बाकी जो सारी संभावना हो जाती है 4/17 के अलावा, उसके ना होने की संभावना है 13/17। और नॉट ग्रीन का मतलब क्या हुआ, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होने चाहिए, तो ग्रीन नहीं होने चाहिए तो बाकी होने चाहिए, तो बाकी जो है वो उसकी संख्या कितनी है, 8 और 5 13 /17, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ट्राई करें पहले। देखिए क्वेश्चन है, आप पिगी बैंक कंटेंट 100 कॉइन 50 पैसा, फिफ्टी पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 100, एंड 51 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 50, एंड 22 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं बच्चे, 20, एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज से कितने कॉइन है, 10। इट इज द इक्वली लाइकली दैट द वन ऑफ द कॉइन्स विल बी फॉल आउट, मतलब कोई भी एक निकल सकता है इसमें से, सबके बराबर संभावना है, फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड, अगर मैं इसको अपसाइड करता हूं तो इसमें से कुछ भी एक आ सकता है भैया, कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा डाउन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कॉइन विल बी द 50 पैसा कॉइन, फर्स्ट का आंसर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा, तो 50 पैसे की, अब जिसको हम निकाल रहे हैं, जिसके आने की संभावना पूछ रहा है, उसकी उसमें क्या मात्रा है, क्या क्वांटिटी है, तो इसमें से क्वांटिटी कितनी है 50 पैसे की, 100, आउट ऑफ कितने में से,
तो आपके पास है 150 और 180 आउट ऑफ 180, तो 100 आउट ऑफ 180 सॉल्व करेंगे 5/9 पॉसिबिलिटीज है, विल नॉट बी, अब 5 रुपये कॉइन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ का आप निकालो। खैर 5 की नहीं होनी चाहिए तो बाकी की संभावना हो सकती है, तो बाकी की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो आप कोई बात नहीं पहले 5 की निकाल लो। तो 5 के आने के चांसेस क्या है, 10 आउट ऑफ 180, 1/18 और नॉट 5 रुपीज कॉइन की संभावना, 1 - 1/18 तो 17/18। क्लियर है बच्चे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज द एक्वेरियम, एक्वेरियम द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट अ रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 male fish and 8 female fish, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश की क्या होगी, मेल के नंबर्स कितने, 5 out of 13, दिस क्लियर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो जरा, आगे क्वेश्चन है, 3-3 डाइस थ्रो करेंगे हम, एक साथ 2-2 डाइस थ्रो करेंगे, 2-2 कॉइन थ्रो टॉस करेंगे, वो क्वेश्चन हैं जिसका हम वेट कर रहे हैं, लेकिन पहले आप देखो बच्चे, आ गेम्स है जिसमें 1-2-8 है, इसमें आप उसको स्पिन करते हैं और एरो किसी पे भी आ सकता है, कुछ नहीं कर सकते आप 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे। तो सबसे पहले आपसे के लिए प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आपके माइंड में है वो ये है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फेवरेबल आउटकम, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट द 8, प्रोबेबिलिटी किसके आने की, 8 आने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की अगर आप कर रहे हैं तो इसमें 8 आने की पॉसिबिलिटीज आप निकाल रहे हैं, तो उसमें जिसकी पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है 8 की, इसमें एक ही बार तो 8 है, आउट ऑफ टोटल कितना हो गया 8, तो 1/8 इसका आंसर है, वेरी गुड अक्षय। सेकेंड, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी जानना चाह रहे हो, तो ऑड कितने हैं इसमें, उसकी क्वांटिटी क्या है ऑड की, तो ऑड आपके पास में 4 है, एक ऑड कौन कौन से हैं, दिस वन, 1, 3, 5, 7, तो 4 नंबर ऑड है ना 8 में से, तो 4 out of 8, 1/2। एंड थर्ड, आर नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 तो 2 से ग्रेटर किस कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउट ऑफ 8, 3/4। अ नंबर लेस देन 9, 100% चांसेस है कि भाई 9 से कम ही आएगा जब 1 से लेकर 8 तक नंबर है, तो है ना,
लेस देन नाइन ही आएगा, लेस देन नाइन। लेस देन नाइन कितने हैं? आठ नंबर है आउट ऑफ एट, वन। क्लियर है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज अ थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। चलो इसको करो। देखो देखो बच्चे क्वेश्चन, आई डाई, आ डाई इज अ थ्रो, तो डाई अगर आप थ्रो करते हो तो पॉसिबिलिटीज उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है। आप प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी आप किसका निकालोगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको। वो क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, तो आपका प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चे? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके एग्जैक्टली टू डिवाइजर होते हैं, एक तो वो खुद और एक कोई और। जिसके मोर देन टू डिवाइजर्स होते हैं जिसके पास में, वो प्राइम नंबर नहीं है। लाइक जैसे नाइन, वो खुद से भी होता है, थ्री से भी होता है, वन से भी होता है। जिसके लेस देन टू डिवाइजर्स हैं लाइक वन, वो अपने आप से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। जिसके एग्जैक्टली टू डिवाइजर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है? तो इसके तो एक ही डिवाइजर है, इसके दो डिवाइजर है, एक तो एक, एक खुद, दिस वन प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर है, इसके तो भैया दो से ज़्यादा डिवाइजर हैं, दो भी है, चार भी है, एक भी है। इसके दो डिवाइजर है खुद और एक, इसके भी मोर देन टू डिवाइजर है, तो कितने हो गए? थ्री प्राइम नंबर है इसमें आउट ऑफ सिक्स, वन बाय टू। अ नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स, तो फोर नंबर है, तो सॉरी थ्री नंबर है बिटवीन टू एंड सिक्स, दिस वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन टू एंड सिक्स, थ्री बाय सिक्स, वन अपॉन टू। एन ऑड नंबर, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मैं बदले बता रहा हूँ, मैं टेंथ वाले करवा रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग चीज़ों को समझें। आगे आगे तो अभी चार पाँच छः सवाल पे 22-25 सवाल हैं टेंथ वाले, क्योंकि जब दो दो तीन तीन हम टॉस को कॉइन को टॉस करेंगे तब पॉसिबिलिटीज़ वगैरह देखेंगे, तब लेवल बढ़ेगा, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उस कॉन्फिडेंस को लेकर हम आपके बीकॉम वाले पे आगे चलेंगे, तो आपको उसमें परफॉर्मेंस आएगी, नहीं तो हर क्वेश्चन पे आप डिपेंड रहोगे मुझ पे। पर सोचिए कि टेंथ में कितनी आसान चीज़ें आप लोग नहीं करते थे, जो करते थे वो तो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं करते थे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अ नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, तो एन ऑड नंबर्स में क्या आएगा आपके पास में? कितने ऑड नंबर आपके पास में? एक दो तीन आउट ऑफ सिक्स, वन अपॉन टू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करें जरा ट्राई इसको। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग तो भैया हर किसी में किंग होता है, तो रेड कलर में आपके पास में बताया था मैंने आपको, रेड कलर के आपके पास में दो किंग मिलेंगे, ब्लैक में भी आपको दो किंग मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ
रेड। तो आपके पास में बताओ रेड कलर में कितने किंग होंगे? दो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? और आउट ऑफ कि जिस जिस चीज के बारे में पूछ रहा है उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी है? रेड कलर में किंग की क्वांटिटी कितनी है? दो। और टोटल कितने हैं? 52 में से सेकंड सॉल्व करेंगे, 1/26। दिखाऊं मैं आपको? ये पैक वाले क्वेश्चन करवा दिए थे बच्चे मैंने आपको, आपको थोड़ा कार्ड पे ध्यान रखना है। क्लियर है? रेड कलर में आपका हार्ट एंड डायमंड होता है, क्लब एंड स्पेड आपका ब्लैक कलर में होता है। तो रेड कलर में आपके पास में किंग दो ही तो होगा रेड कलर में। सेकंड अब फेस कार्ड, फेस कार्ड हर किसी के पास तीन होता है, स्पेड में थ्री होते हैं, आपके पास में डायमंड में थ्री होते हैं, क्लब में थ्री होते हैं, हार्ट में थ्री होते हैं। तो फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, लास्ट क्लास में मैंने कार्ड से इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, तो 4/52 सॉल्व करेंगे, 1 4 * 4 = 1/13। आ रेड फेस कार्ड थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में, रेड में फेस कार्ड कितने होंगे? सिक्स होंगे ना रेड कलर में, तीन तीन सब में ही होते हैं, तो रेड के तीन तीन, ब्लैक के तीन तीन, ऐसे रहते हैं ना, चार टोटल होते हैं। तो 6/52 ठीक है, सॉल्व करेंगे, द जैक ऑफ हार्ट। क्लियर है? हार्ट के अंदर आपको जैक, फोर्थ हार्ट के अंदर आपको देखना है जैक कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में जैक, तो हार्ट के अंदर जैक कितना होगा? एक ही होगा। प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स, तो आपका हार्ट में जैक कितना है? एक है, बट आउट ऑफ 52 ही बात करेंगे। फिफ्थ स्पेड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितने होते हैं बच्चे? 13 13 13 के सारे होते हैं, आउट ऑफ 52, 1/4। एंड सिक्स क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर क्वीन कितनी होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स कितनी होंगी आपके पास में? क्वीन कितनी, डायमंड्स आपके पास में कितना है? एक ही तो डायमंड्स का, उसमें क्वीन कितनी है? एक है। 52 क्लियर है?